चुनाव के पूर्व लातेहार में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध भारी सफलता मिली। एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार सदर थाना क्षेत्र के जेर के जंगलों में माओवादियों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ 214 बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें जेर के जंगलों में माओवादियों द्वारा छुपाया गया रखे दो प्रेशर बम, एक केन बम, एक क्लेमोर माइंस, एक देसी कार्बाइन पिस्टल, देसी कट्टा के साथ कई जिंदा गोली समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए। तथा आईडी वगैरह छिपा के रखे हुए, इसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम जो कि दो कंपनी 214 बटालियन सीआरपीएफ की गठन की गई, और जो कि कुमंडी से और ओरिया पिकेट से कंपनी को यूटिलाइज किया गया। साथ में जिला बल की टीम भी साथ में शामिल थी और हम लोगों ने जेर जंगल में सर्च अभियान किया। सर्च अभियान के दौरान हम लोगों को तीन हथियार जो कि कार्बाइन पिस्टल और एक कंट्रीमेट कट्टा बरामद किया गया, और उसके अलावा तीन आईडी जो कि प्रेशर कुकर आईडी थी, और साथ में उसमें एक छोटा टिफिन आईडी भी इम्प्रोवाइज तरीके से लगाया गया था जो कि क्लेमोर माइंस के रूप में, डायरेक्शनल माइंस के रूप में उपयोग किया जाता है। रास्ते पर भी एक टिफिन आईडी था जिसको हमारी बीडीटी टीम ने निष्क्रिय कर दिया। ये मुख्य रूप से सुरक्षा बल को अभियान के दौरान टारगेट करने के लिए या इलेक्शन में कोई सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया था।